नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। आजकल जो हालात इस समाज में हो रहे हैं उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि हम किसी सभ्य समाज में नहीं बल्कि जंगल राज में जी रहे हैं। जिस तरह कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए बदमाश बेखौफ दुष्कर्म पे दुष्कर्म किए जा रहे हैं उसे देखते हुए लगता है कि दूर दूर तक कानून नाम की चिड़िया बसती ही नहीं है हिंदुस्तान में। जी हाँ, जयपुर के अपराधी जीवाणु की अभी तक बात खत्म ही नहीं हुई थी। जो जयपुर का अपराधी है जिसने कई मासूम बच्चियों को रेप करके उनको मौत के घाट उतार दिया है, उसकी बात अभी खत्म ही नहीं हुई थी कि एक दूसरी खबर झारखंड के साहिबगंज से हमारे पास आ गई है, जहां दरिंदों ने दरिंदगी की हर हद को पार कर हैवानियत का एक नया अवतार लिया है। अभी जयपुर के शास्त्री नगर का रेप का मामला चल रहा था और अभी अपराधी को सजा भी नहीं मिली थी कि साहिबगंज के जेवियर स्कूल से, जहां इंसान के वेश में घूम रहे दरिंदों ने एक मासूम को अपनी दरिंदगी का शिकार बना लिया, एक और खबर आ गई। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में पूरा मामला क्या है। दरअसल साहिबगंज के सेंट जेवियर स्कूल की सातवीं कक्षा की एक नाबालिग छात्रा साइकिल से सोमवार को सुबह स्कूल जा रही थी कि रास्ते में मस्जिद रोड सकूरगढ़ के मोहम्मद अब्दुल्ला नामक युवक ने अपने भाई मेजान अंसारी और अपने 3-4 साथियों के साथ इस बच्ची को अगवा कर लिया। छात्रा ने पुलिस को बताया कि सोमवार को करीब 10 बजे वो साइकिल से स्कूल जा रही थी, इसी दौरान रास्ते में मोहम्मद अब्दुल्ला और उसके साथियों ने उसे अगवा कर लिया और स्कॉर्पियो में डाल लिया। अब्दुल्ला और उसके भाई मोहम्मद मेजान को वो पहचान गई। ये लोग उसे जबरदस्ती स्कॉर्पियो में डालकर ले गए और कुछ दूर मैदान में ले जाकर गाड़ी में ही उसके साथ दुष्कर्म किया। इस बीच अन्य लड़के गाड़ी के बाहर खड़े रहे। लड़की का चचेरा भाई संयोगवश उस रास्ते से जा रहा था और उसे किसी प्रकार यह जानकारी मिल गई। भागते दौड़ते उस लड़के ने लड़की के पिता को सारी घटना की जानकारी दी और वह तुरंत अपनी बेटी के अगवा होने की खबर मिलते ही बदहवास भागता दौड़ता मौके पर पहुंचा और उसने युवक के चंगुल से बच्ची को मुक्त करवाया। इसी दौरान युवकों ने पीड़िता के पिता का मोबाइल, जेब में रखे पैसे और गाड़ी की चाबी तक छीन ली। इस दौरान आरोपित और उसके साथियों और पीड़िता के पिता के बीच में हाथापाई हुई, जिसमें आरोपित के साथ लड़की के पिता भी जख्मी हो गए। बाद में वहां पहुंची पुलिस ने मोहम्मद अब्दुल्ला और उसके भाई मोहम्मद मेजान अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपित की स्कॉर्पियो भी जब्त कर ली है। इधर सूचना पाते ही भाजपा और आरएसएस से कई लोग थाने पहुंच गए और उन्होंने दोषियों को तुरंत जेल भेजने की मांग की। दूसरे पक्ष के लोग भी थाने पहुंचे और मामला तनावपूर्ण होता गया। एसपी पी जनार्दन भी वहां पहुंचे, दोनों पक्षों को वहां से हटने का अल्टीमेटम दिया, मगर लोग हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तब पुलिस ने वहां से सभी को खदेड़ा। इसके बाद आक्रोशित होकर लोगों ने जन आक्रोश रैली निकालकर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग की और बाजारों को भी बंद किया। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन हर जगह मुस्तैद भी देखा गया और साथ ही भाजपा जिला महामंत्री सरपंच अध्यक्ष निवास यादव, उपाध्यक्ष रामानंद साह, नगर अध्यक्ष मनोज पासवान, सुनील सिंह, महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष संगीता सिन्हा आदि कई नेता उपस्थित रहे और थाने पहुंचकर पीड़िता का भी हाल जाना और मौके पर पहुंचे एसपी से कथित आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। हालांकि ये सब वो बातें हैं जब सांप चले जाने के बाद में लट पीटे जाने जैसी घटना नजर आती है। दरअसल कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती है और साथ ही समाज का इतना बिगड़ा माहौल है कि लड़कियां, छोटी बच्चियां, महिलाएं किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं है। एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आए दिन इस तरह की वारदातें क्यों हो रही है, इस तरह इन बच्चियों के अपराध के पीछे कौन जिम्मेवार है, समाज या हम? इन मासूम बच्चियों का इस तरह से बुरा हाल करने के पीछे लोगों की क्या मंशा है, ये एक सोचने की बात है और बहुत गंभीर प्रश्न है। शायद इस बारे में अब मंथन नहीं किया गया तो अगला नंबर आपके घर का भी हो सकता है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की ताजा इन खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज, हमेशा सच के साथ।